गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निहाल फिटनेस में। तो दोस्तों पहला वाला पार्ट का वीडियो आप देख लिए होंगे कि सावन में क्या क्या खाना है और कैसे क्या सब मार्केटिंग करना है, और आज वाला वीडियो जो है फुल डे ईटिंग पे होने वाला है, क्योंकि सावन को लेकर के बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि मेरा बॉडी ख़राब हो जाएगा क्योंकि हाई प्रोटीन डाइट हो नहीं पाएगा, अंडा खाएंगे नहीं, चिकन खाएंगे नहीं। तो भाई ऐसा नहीं है, आप भेज डाइट में भी अपना प्रोटीन का लेवल पूरा कर सकते हैं। तो चलिए इस वाले वीडियो में आपको आज सुबह अभी हम 5 बज रहा है और 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक हम क्या क्या खाते हैं और कैसे कैसे कौन से टाइम में क्या क्या, और वर्कआउट से पहले क्या खाते हैं, वर्कआउट के बाद क्या खाते हैं, आज सारे वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और प्योर वेजिटेरियन, तो टेंशन नहीं लेने का। और ये वीडियो ये ना समझे कि सिर्फ और सिर्फ बॉडी बिल्डर के लिए ही है, जो भी हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं उनके लिए भी है, जो दुबले पतले हैं, मोटे ताजे हैं, गेंडे हैं, जो भी हो सबके लिए है। बस ये हेल्दी डाइट के ऊपर है। तो चलिए चलते हैं पहले किचन में, क्योंकि अपना दिन का शुरुआत किचन से ही होता है। तो चलते हैं। तो भाई अपना मॉर्निंग लेमन एंड शहद और वार्म वाटर। तो सुबह आज दिन का शुरुआत मेरा हमेशा हर वीडियो में आप देखते हुएगा नॉर्मली कि लेमन पानी अपने को चाहिए ही चाहिए, और इसके बाद ये पीने के बाद ही हम जाएंगे फ्रेश होंगे। उसके बाद जो अपना प्री वर्कआउट मील है, क्योंकि हम मॉर्निंग में ही वर्कआउट करते हैं, प्री वर्कआउट मील है वो लेंगे, उसके बाद जिम में चलेंगे बैग अपना पैक करके। तो चलिए फटाफट में पानी पीकर फ्रेश होकर के आप लोगों से मिलते हैं। तो भाई दोस्तों, प्री वर्कआउट के साथ साथ मैं भी रेडी हो चुका हूँ और आप लोगों को भी दिखा देता हूँ प्री वर्कआउट में मेरा क्या क्या है, उसके बाद में आपको ले चलता हूँ जिम में। ये रहा मेरा प्री वर्कआउट, पपीता, सबसे पहले पपीता खाएंगे। ये 11 से 12 आलमंड्स है एंड कॉफ़ी, और ये सबसे स्पेशल ये रात का रोटी है जिसको हम बासी रोटी बोलते हैं, इसमें हमने पीनट बटर लगा दिया है और एक केला, और इसको खाने के बाद जो ताकत आएगा वो मैं आपको जिम में बताएगा। और ये थोड़ा सा रात का भिगाया हुआ एक मूँग और चना हो गया, ठीक है, इसको इसको थोड़ा सा झाँप झूप रख दी हुई थी जिससे इसका अंकुरित हो गया हुआ है, और इसमें से हम आधा अभी खाएंगे और आधा वर्कआउट के बाद खाएंगे। तो ये रहा मेरा प्री वर्कआउट मील पूरा देसी स्टाइल में, और 1 रुपये का भी हमको मेरे अंदाज से खर्च नहीं है इसमें ज़्यादा, सारा कुछ घर में ही अवेलेबल होगा। तो फटाफट इसको हम कम्प्लीट करके आपसे मिलते हैं जिम में। तो दोस्तों ये मेरा जिम का बैग रेडी हो चुका है, और जिम में क्या सब आप लोगों को पता ही होगा, BCAA ग्लूटामाइन और एक मेरा मील है और पानी का बोतल, शेकर एंड तौलिया, और ये है विटामिन सी जो अभी हम चूसते हुए जिम पे चला जाऊंगा। तो चलिए फटाक से जिम पे मिलते हैं आप लोगों से। ला We'll be right back.
मैं घर से मूड बना के आया था 500 स्क्वाट्स का, लेकिन 250 स्क्वाट्स में मेरा फटके हाथ में आ गया और लेग का कंडीशन कुछ इस प्रकार हो गया हुआ है, आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम 500 स्क्वाट्स हम लगा सके। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद बस बना रहे, आशीर्वाद और प्यार और बाबा का आशीर्वाद सदैव बना रहे। हर हर महादेव। तो भाई, तो मित्रों 2 ग्राम क्रिएटिन वर्कआउट से पहले, 2 से 3 ग्राम क्रिएटिन वर्कआउट के बाद वे प्रोटीन में मिलाकर, अगर आपके पास भी क्रिएटिन है तो आप इसी तरीका से यूज कर सकते हैं, अन्यथा आप वर्कआउट से पहले भी 5 ग्राम यूज कर सकते हैं, 3 से 5 ग्राम, और वर्कआउट के बाद भी वे प्रोटीन मिला करके। इसी के साथ ज्ञान समाप्त हुआ। तो भाई, वर्कआउट तो कंप्लीट हो गया, अभी अपना मील भी ले लिए, बीच में काम भी आ गया, गाड़ी भी सर्विस करवाना था, तो अभी जा रहे हैं एजेंसी पे। वहां से आने के बाद नहा करके मैं क्या खाता हूँ आप लोगों को दिखाते हैं। तो पहले गाड़ी सर्विस के लिए दे देते हैं, उसके बाद मिलते हैं अपने दिन का पहला हेवी मील पे, उसके बाद चलिए। तो भाई आ गए एजेंसी पे, और ये गार्ड साहब हैं, आएंगे कुछ ना कुछ तो पूछेंगे ही। उमेश जी भेजे हैं। उमेश जी को हाँ, गाड़ी में वहाँ लगाइए तो स्टैंड पे लगाइए तब पूछिए, वही जो गार्ड है तो बुलाए इनमें लगाने के लिए। उमेश पहले रिसीविंग वहीं से हो। मित्रों, फाइनली हम रेडी हो चुके हैं नहा वहा करके, और गाड़ी भी सर्विस के लिए दे दिए हुए हैं। अभी आपको हम दिखाते हैं पहला वाला मील, मेरा फर्स्ट मील में क्या सब है, पूरा देसी भेज टाइप का भी दिखाते हैं आपको। तो ये रहा थोड़ा सा चावल, सोयाबीन और 150 ग्राम पनीर, थोड़ा सा चुकंदर और एक कटोरी दाल, और चावल पर थोड़ा सा घर में बचा हुआ था ये तीसी, क्योंकि ओमेगा 3 खाने से रहा नहीं तो थोड़ा सा तीसी डाल दिए। तो ये फर्स्ट पहला मील है इसलिए थोड़ा सा हेवी है, इसके बाद इसे थोड़ा सा डाउन 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 लो रहेगा। और चलिए, तो फिर हम अपना मील पहले एंजॉय कर ले, फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट मील पे। तो मित्रों, पूरा दिन इधर उधर करने में सोयाबीन है, और डाइट का वीडियो आज मरा गया, अभी 2:30 बजने वाला है। अभी गाड़ी का कुछ काम था, पूरा दिन इसी में लगे हुए थे गाड़ी का, अभी दिखाते हैं थोड़ा बहुत काम हो जाए उसका चलेंगे रूम पर खा लेंगे, सोए तो नहीं लेकिन खैर कोई नहीं। और इस कलर का तौलिया पूरा गाड़ी में लगेगा, और छोटा मोटा काम। तो भाई, गाड़ी का सारा काम हो गया हुआ है एर्टिगा का, और अभी हम आज पूरा दिन यही सब करवाने में टाइम लग गया, तो हम चलते हैं पहले घर और कुछ खाने का उपाय करते हैं, फिर जिम पे चलेंगे बैठेंगे। आज का दिन हो गया पूरा ख़त्म, डेड पूरा ख़त्म। तो चलिए पहले घर पहुंचते हैं, उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। तो दोस्तों, थके हारे रूम पर आ गए हुए हैं, और अपना फर्स्ट पहले फटाफट अपना एक मील ले लेते हैं, आप लोगों को दिखा देते हैं क्या है मेरे मील में। तो भाई, ये है मेरा ओट्स, और इसमें मिला हुआ है चिया सीड्स, और बाकी एक केला, थोड़ा सा काजू, 11 पीस आलमंड्स, थोड़ा सा किशमिश, 1 स्कूप वे प्रोटीन, और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच पीनट बटर चॉकलेट फ्लेवर, और फटाफट इसको हम कंप्लीट करके मिक्स करके खाओ करके आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट मील पे। सावन में डाइट का वीडियो शूट कर रहे थे, फुल डे ऑफ ईटिंग,
इत्तेफाक से पूरा दिन का काम ऐसा आया, साला पूरा दिन बिजी रह गए और डाइट का शूटिंग चला गया। खैर कोई नहीं, कवर हो जाएगा, आप लोगों को हम बता ही देंगे। तो अभी हम भैया के साथ आ गए हुए हैं रेस्टोरेंट में। तो वो भाई स्पेशल केबिन का भी व्यवस्था है अंदर में, और यहीं से कुछ खाया जाएगा। पूरा खाली खाली सा है। तो हम लोग तो भाई ये आ गया, दो रोटी और इसमें हम पनीर पनीर खाएंगे, बाकी अपना ग्रेवी भैया खा लेंगे। और ये दाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, मिर्चा प्याज। तो चलिए फटाफट इसको हम ख़त्म कर लेते हैं। भैया जैसे तैसे करके अपना डाइट को कंप्लीट कर ही लिया, भूख बहुत जोर का लगा हुआ था और भूख अब ख़त्म हो गया। तो चलते हैं डायरेक्ट घर पे, दो घंटा के बाद फिर एक मील लेना, कहीं पर ना जाए छोटा सा, देखते हैं घर पे चलते। तो मित्रों फाइनली इस ब्लॉग को अब यहीं समाप्त करते हैं। खाना तो हम खा ही चुके थे, आप लोग देख सकते हैं, और बस अभी रात का एक गिलास दूध पी करके सो जाना है। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने सारे दोस्तों में जो भी फिटनेस से जुड़े हुए उनको शेयर करें। बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।